हेलो माय यूट्यूब फैमिली राधे राधे गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो ये राघव के बर्थडे के अगले दिन का छः तारीख का वीडियो है तो जिसमें मैंने ये बनाए थे नाश्ते में काले चने जो दिव्या को बहुत पसंद थे तो जैसे कि ना मैं वीडियो में जैसे मैं कभी बनाया करती थी दिव्या कहती थी मौसी मेरा बहुत मन करता था ये वाले चने खाने का तो मैं सच बताऊँ ना मेरी इच्छा ये थी कि आए मेरे पास रहे क्योंकि दीदी थी तभी ये आई थी दीदी के जाने के बाद तो ये आई ही नहीं है सात आठ साल के बाद ये आई है तो मेरी इच्छा ये थी कि ये रहे मेरे पास इसका जो भी मन हो वो मैं इसको खिलाऊं जो इसको अच्छा लगता है वो चीज़ को मैं कराऊं लेकिन वही है कि नहीं इसको भी टाइम नहीं है और ये भी टीचिंग करने लगी है तो नहीं टाइम है एक दिन की छुट्टी लेके आई थी लेकिन एक दिन की मैंने और उससे कह कि मैं नहीं आज तो नहीं जाने दूंगी तो मैंने कहा एक दिन और रुक जा तो उसने एप्लीकेशन दी दो दिन की छुट्टी ली तब जाके ये कहीं रुक पाई क्योंकि देखिए माँ से ही बच्चे अपने मन की बात कह पाते बिना माँ के तो आप समझ सकते हैं कोई भी अपने दिल की बात कही चाहे कितने भी उसके चाहने वाले हों लेकिन माँ ही उनकी इच्छा पूरी कर पाती है बच्चे माँ से ही दिल खोल करके अपनी बातें कह पाते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए और वैसे भी ये तो बहुत ज़्यादा समझदार है बहुत ही सिंसियर है बहुत ज़्यादा होके प्लस तो इसमें एक तो बचपन भी नहीं देखा इसने क्योंकि दीदी जब बीमार रहती थी तो ये बहुत माँ अपनी मम्मी की केयर करती थी बहुत ज़्यादा बचपन से ही अपनी माँ के साथ ही रही थी ये हर पल उसको कभी छोड़ा नहीं इसने तो अब क्या कर सकते हैं तो यहाँ भी देखो मेरे साथ भी लगी है और इतनी सिंपल है ये आप देखिए ऐसे जैसे मैं लग जाती ना उसी तरीके से ये भी लग जाती है बस नहा दो के आई सीधा और लगी मेरे साथ किचन में तो बोली मौसी मैं करवा देती हूँ तो मैंने ना कढ़ी चावल बनाए आज बाजरे की रोटी बनाई थी तो मैंने कहा चल ठीक है तू तो बस बस कढ़ी चला दे बाकी मैंने और से ज़्यादा हाँ सुबह से ही लग गई थी काम में तो झाड़ू पोंछा वगैरह दोनों ही लग गई थी एक ने झाड़ू लगाया एक ने पोछा लगाया और बस बोली तुम तो बस मौसी किचन में ही लग जाओ अपना किचन का काम कर लो बाकी हम सब कर लेंगे काम तो ये आके अपना लग गई मैंने कहा चल ठीक है थोड़ी सी कढ़ी चला दे बस बाकी जब तक मैं और काम कर लूँगी मम्मी कह रही थी ऊपर आ जा धूप में तो बोली मैं आ रही हूँ अम्मा पहले मौसी के साथ थोड़ा सा हेल्प करा दूँ फिर आ जाऊँगी तो बस मैंने कहा थोड़ी कढ़ी जब तक उबलती नहीं है तब तक थोड़ा सा रहता है तो जब तक मैंने कहा मैं पकौड़ियों की तैयारी और चावल की तैयारी ये सब मैं कर लेती हूँ तो सच में ये दो दिन ना इतना अच्छा लगा है और इतना मुझे आराम भी मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा है सच में कहते हैं ना बेटियों से घर की रौनक होती है अब चाहे वो बेटी देखिए बहू के रूप में हो या माँ के रूप में हो या बेटी के रूप में हो जिस भी रूप में हो रौनक औरत से ही होती है लड़कियों से ही होती है घर की जिस घर में आप देखते हैं औरत नहीं होती ना उस घर में पता नहीं अजीब सा ही लगता है तो बहुत अच्छा लगा लेकिन कुछ लोग देखिए ये चीज है कि बहू और बेटी में अंतर करते हैं कि भाई बहू बहू है बेटी बेटी है लेकिन भाई वो भी तो किसी की बेटी है बहू भी तो किसी की बेटी है और आप देखो किसी घर में बहू नहीं होती उस घर में कितना अजीब लगता है बहू भी होती है भाई रौनक तो मैं तो भाई यही कहूंगी जो लोग मानते हैं ना नहीं मानना चाहिए क्योंकि बेटी बहू एक ही चीज है बहू भी किसी की बेटी है हमारी टूटी हुई डेकोरेशन जिसकी हमने बहुत नाकाम कोशिश करी थी लेकिन हो गई है यहाँ पे देखिए हमारी माता जी बर्तन मांझेंगे हाँ और अभी हम आपको ले चलते हैं दो सेकंड की जर्नी पे जो ऊपर है तो यहाँ पे दिव्या बैठी है अपना कपड़े वगैरह सुखाए इसने पहले दिव्या ने महक दोनों ही सुखाने आई थी कपड़े और वो फिर चली गई नीचे वो पढ़ाई कर रही है उसको पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसकी इस बार ट्वेल्थ है तो अपना पढ़ाई में लगी है आ गई नहीं तो आ नहीं रही थी बिल्कुल भी वो दिव्या उसको लेके आ गई कि दिव्या, दिव्या बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी तू मेरे साथ चलना वो भी एक दिन की वो आप तो एक दिन की कह रही थी तो मैंने कहा नहीं बेटा कहीं आना नहीं हो पाता आठ दस साल में ये लोग आए हैं तो मैंने कहा एक दिन तो नहीं मन भी नहीं भरता है तो यहाँ पे ये लोग बस बात कर रहे हैं दिव्या जो है अम्मा बाबा के साथ बैठ के बातें कर रही है क्योंकि दिव्या बहुत समझदार लड़की है बहुत ज़्यादा तो वही बातें चल रही हैं कि आजकल की लड़कियाँ कैसी होती हैं ये तो अम्मा कुछ बोल रही थी तो वो भी अपना बातें कर रही है और बाबा के साथ में क्योंकि ये वहाँ भी अम्मा बाबा के साथ ही रहती है तो इसको लगाव भी है क्योंकि जीजा जी और गोपाल यानी दीदी का बेटा और अम्मा बाबा और वही है कि देखो आना हो नहीं पाता है क्योंकि वहां भी अम्मा बड़ी बूढ़ी है तो काम वाम का दिक्कत रहती है तो अभी आई है कई सालों में तो बहुत अच्छा लगा है सच में मुझे हेलो एवरी गुड आफ्टरनून दोपहर का टाइम दो बज रहे हैं और ये देखो मैं पढ़ रही है मुझे <laughs> गई वो और ये देखो मुंह बंद करके बैठी हुई पड़ गई डांट क्या हुआ <laughs> क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई रघु अभी खाना किसी ने नहीं खाया खाने में आज कढ़ी चावल बनाया है कढ़ी <laughs> चावल बनाया खाया नहीं है क्योंकि नाश्ता कर लिया था चने बनाए थे नाश्ते में गड़ी हाँ चॉकलेट आई है कल ये लोग लेके आई हैं अब बार बार चॉकलेट खा रहा है बीमार हो जाएगा पेट में दर्द होगा केक खा रहा है बार बार, बार है केक तूने किसी को खिलाया तो है नहीं रे कल भी तूने किसी को नहीं खिलाया था वीडियो में नहीं खिलाया था ना हम्म सही कह रहे तो बाबा थे ना खाया खिला केक खिला दे जा, ले, ले जल्दी केक खिला सबको किसी ने खिला, कल खिलाया नहीं तूने सब ने दिए थे तो कितनी सारी देखी ना तो अभी खाना किसी ने नहीं खाया है नाश्ता ही किया है बस चने वो बनाए थे ब्रेड वगैरह तो अभी खाना भूख नहीं है ये भी आए नहीं है कृष्णा भी नहीं आए स्कूल से राग आवाज गया नहीं है कल से इसके एग्जाम में तो बोला मैं आज मैं तैयारी करूंगा फिर ये लोग आई हैं तो वैसे भी नहीं ऐसे नहीं उसमें प्लेट में लाता ये देखो हे भगवान देख रहा कैसे उठा के लाया है ये देखो <laughs> कैसे कैसे केक उठा के लाया वैसे खिलाएगा खिला सबको अच्छे से <laughs> ले खिला सबको खिलाओ वो खुद खा गया है ना थोड़ा सा चोरी चोरी है ना खिला दे सबको अच्छे से कट करो बेटा साइड से कट करते बीस से कौन करता है कट ये ले हाँ बुद्धू ना थे ये गिरा मत वही सब लोग केक खा लो <laughs> राघव के बर्थडे का बासी बासी केक खिला रहा है <laughs> कल तो भूल ही गया चल इसको रख के आ जाओ लो जा बेटा जा, 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 जा अच्छे से दियो तो बस आज सोच रहे हैं थोड़ा सा कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं देखते हैं कहाँ जाएंगे जाएंगे तो आ, आपको भी ले चलेंगे आ जा दिव्या आज काम तो खूब जल्दी हो गया लग गई दोनों ये और वो भी तो मुझे भी थोड़ी सी राहत मिल गई आज वो अरे पे थोड़ी नहीं बहुत मिल गई कल भी मिल गई आज भी मिल गई तो चलिए आ जा रही दीवो आ जा लाली चल रहे अंदर फिर आ आज तो।, तो बस अभी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी मैंने कढ़ी चावल तो बना दिए थे अब इनको खाना था ये बोले बाजरे की रोटी बना दे भाई मेरे लिए तो मुझे चावल नहीं खाना है तो बस थोड़ा सा आटा अभी आज पहली बार बन रही है सीजन की बाजरा की रोटी तो मैं मैंने बोला दिव्या दिव्या तेरे को आती है दिव्या बोली मौसी मुझे नहीं आती दीदी दब तो अच्छी बना लिया करती थी मेरे को भी ज़्यादा नहीं आती सच बताऊँ मैंने कभी नहीं बनाई है लेकिन हाँ अब गैस पर थोड़ा थोड़ा बनाने लगी हूँ सीख गई हूँ तो मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर हाँ काम चलाऊ मैं बना लेती हूँ तो यहाँ हम और दिव्या आपस में बात कर रहे हैं और अपनी चल रही हैं बातें यहाँ की वहाँ की वो छिड़ जाती हैं जब बातें होती हैं ना कोई होता है ना और नहीं बाकी तो मैं अकेले अकेले लगी रहती हूँ आपको बताइए तो बस यहाँ पे मैंने रोटी सेक ली है पापा ऊपर खा रहे हैं रोटी और सीजन में ना बाजरा की रोटी बहुत अच्छी लगती है मेरे को कढ़ी के साथ तो बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत अच्छी लगती है मेरे को अन्य बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब हमारे घर में ना हमारे घर आपको देखा ही है बहुत लोगों ने कि मायके में बहुत बड़ी फैमिली है तो हमारे दूसरे बाबा हैं उनकी छत भी मिला मिली हुई है तो हम लोग क्या करते थे ना कि जो चाची थी हमारी वो बाजरे की उनके यहाँ दूध का घी का काम है तो वो बाजरे की रोटी बनाया करती तो बहुत सारा घी लगा के और इधर हम भी ले जाया करते थे जैसे मम्मी ने कढ़ी बनाई उन्होंने रोटी बनाई तो हम छत पे एक साथ लेके जाया करते थे सारी मतलब वो कुछ ले आए हम कुछ ले आए फिर एक साथ बैठ के हम छत पर खाया करते थे दोपहर में उनकी रोटी हमने खाई उन्होंने हमारी खाई उन्होंने हमारी सब्जी खाई बहुत आनंद आता था, था हमारे यहाँ पर सच में आज भी वही चीज़ है हमारे यहाँ भी तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी है थाली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी है रोटी पर हाँ टेस्ट तो वही होगा टेढ़ी मेढ़ी बनने से क्या होता है स्वाद तो होगा ना तो यहाँ पे मैंने थाली लगाई है मेरी और दिव्या की हम सब वहाँ सब लोग खा चुके हैं मैं और अभी दिव्या रह गए खाने को और उसके बाद में ये है वीडियो शाम का शाम को मैं आई थी मार्केट मम्मी बोली कि भाई बच्चों को कुछ दिलवा के लिया क्योंकि भाई कितने साल में आए फिर दूसरा बर्थडे में आए राघव के में तो फिर ये तो मना कर रही थी मैंने कहा चलो वैसे घुमा के लाती हूँ तुमको तो फिर मैंने कहा चलो कुछ तो अपना पसंद आए तो इनको मैंने मतलब दिव्या को एक सूट पसंद आ गया था और महक ने तो कुछ लिया ही नहीं महक ने तो बस वही जो आपने देखा था ना कृष्णा की जो हुडी थी जो आ, उसने मैं दिखाया था जितने पा, पापा लेके आए थे तो वो दिव्या महक को पसंद आ गई थी तो महक ने वही ले ली बोली मुआ मुझे तो ये अच्छी लग रही मैं ठीक है उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा मैंने कहा बच्चों को देखो हम तो नहीं मैं तो नहीं खाती हूँ आपको पता है बाहर कभी नहीं खाया मैंने बाहर लेकिन अभी मैंने कहा बच्चे हैं तो थोड़ा सा इनको थोड़ा इन्जॉय करा के खोड़ा बहुत हालांकि दिव्या भी शौकीन नहीं है बच्चे नहीं है लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं महक है और ये है राघव कृष्णा तो इनकी जिद थी राघव कृष्णा की जाती है कि मम्मा कुछ खिला दो तो जिस दिन मैं आपको लेके आई थी ना वहीं हम इनको लेके आए बच्चों को

आ, खा तो खा है। खा लो थोड़ी तो जी बस घर आके बच्चों का मन था मैंने थोड़ा बहुत खाना बना ज्यादा नहीं बनाया था क्योंकि दोपहर में सबका हैवी हो गया था तो चावल थे ना मैंने चावल फ्राई किए थे बिल्कुल भी बच्चों बच्चों ने थोड़ा बहुत खाई लिया था आपको बताया था सुबह मैंने चावल फ्राई किया पापा को दलिया बनाया था उसी में हमारा काम हो गया था और हलवा वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी घर में गुलाब जामुन थे हलवा थे तो सबका पेट भर गया था और इधर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी क्योंकि इसका कृष्णा का और राघव का ही मन रहता है बच्चे तो देखिए तो कह भी नहीं पाते लेकिन ये बोले मम्मा कॉफ़ी बना दो आज तो सब लोग हैं इकट्ठा आपने बनाई नहीं है तो मैंने कहा चलो तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी तैयार की और ये आप देख रहे हैं बहुत सारे झाग वाली कॉफ़ी ये मैंने हाथ से बनाए हैं बहुत मतलब दो मिनट के अंदर तो ये आपके साथ में रेसिपी अगर आप कहेंगे कॉफ़ी की तो मैं शेयर कर दूँगी अपने दूसरे चैनल पर और बाकी मेरे पास है तो सही बनी हुई बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनी एकदम झाग वाली बढ़िया सी तो बस मैं अभी हम यहाँ पे बैठ के सब लोग पी रहे हैं कॉफ़ी और अंदर कृष्णा और महक जो है वो अंदर पी रहे हैं अब वो सोएंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं थोड़ा बहुत घूम घाम के और फिर सुबह से वही है, काम वाम चल रहा था दिव्या देखो आके प्रेस भी करी हाँ ये प्रेस रखी है यहाँ पर बच्चों को स्कूल जाना था मैं तो भूल ही गई थी कि कल दोनों को स्कूल जाना है हालांकि राघव ने तो मना कर दिया था मैं नहीं जाऊँगा बाद में किया था लेकिन पहले से तैयारी ड्रेस वगैरह दिव्या बोली मौसी लाओ आप करो ये काम मैं प्रेस कर देती हूँ तो उसने प्रेस किया तो यहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे थे और राघव इतनी हंसी कर रहा था कह रहा था मम्मा प्याले तो चाय के हैं और पी कॉफी रही हो कोई समझेगा चाय पी रही है और कॉफ़ी बता रही है तो दिव्या दिखा रही थी कि देख कॉफ़ी पी रहे दिखा दे सबको तो चलिए इसी के साथ आज वीडियो का एंड करती हूँ बस आप सोएंगे और मिलते हैं आपसे कल एक नई सी ब्लॉग एक नई सी वीडियो के साथ तब तो तक तो लिए बाय टेक केयर राधे राधे